हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक ऑफिस वर्क में करते हो या फिर स्टूडेंट हो, आप घर पे अकेले हो, आप एक डॉग लेना चाहते हो, ऐसा आप सोचते हो कि फिर घर पे कोई है नहीं तो अकेला डॉग कैसे रह सकता है। तो आपको मैं कुछ ऐसे डॉग बताने वाला हूँ जो घर पर आसानी से 4-5 घंटे रह सकते हैं। अगर आप कुछ वर्क करते हो या फिर कभी बाहर ट्यूशन्स के लिए जाते हो, स्कूल जाते हो या फिर जॉब पे जाते हो, तो कभी कभार घर पे कोई होता नहीं, तो ऐसे में क्या करें, आपको तकलीफ़ होती है कि मेरे को डॉग तो लेना है, फिर संभालने के लिए कोई होगा नहीं होगा तो क्या करें। तो ऐसे में आपको कुछ ऐसे डॉग्स बताने वाला हो जो काफ़ी आसानी से 4 या 5 घंटे अकेले रह सकते हैं, बट आपको पहले से इनको हैबिट ऐसी लगानी पड़ेगी। तो चलिए मैं एक एक करके आपको डॉग बताता हूँ। उससे पहले अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो फर्स्ट डॉग ब्रीड है वो है पग। पग के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी स्मॉल साइज़ के डॉग ब्रीड होते हैं और काफ़ी क्यूट भी होते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें अडॉप्ट करते हैं, एज अगर आपका घर स्मॉल है या फिर 2 BHK है, तो ऐसे में ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे से रह लेता है। तो आपने इसके बारे में सुना होगा कि वोडाफोन का डॉग इसे ये भी बुलाते हैं, इसे कई लोग इसे इस नाम से भी पहचानते हैं। तो अगर आप घर में 2 या 4 घंटे रहना चाहते हैं, अकेले कोई है नहीं, बाहर जाना चाहते हैं या फिर कहीं शॉप पे या फिर जॉब पे जाना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो घर पे कोई है नहीं, तो ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे से घर में रह सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको आप कुछ खेलने के लिए दीजिएगा या फिर कुछ ऐसा रूम या फिर ऐसा हो उस जगह पर आप इसे आसानी से जो है छोड़ सकते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसी जलती हुई चीज़ हो या फिर दिया हो तो वो आप संभाल के रखिएगा, नहीं तो कभी कभार ये खेलते खेलते उसके ऊपर कूद सकते हैं या फिर इन्हें चोट भी लग सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। बट बाकी अगर आप इसे कुछ खेलने के लिए देते हो तो ये आराम से घर पे आसानी से रह सकते हैं। और जितने भी ये डॉग मैं आपको बता रहा उनको आप अगर घर में अकेला रखते थे तो इसको पानी की व्यवस्था रखिएगा और खाने की व्यवस्था भी आप ज़रूर से रखिएगा, ताकि इनको पानी लगे, पानी जब भी पीना हो, खाना कभी भी उसको भूख लगे खाना खाना हो तो वहाँ जाके ये खा सकेंगे। तो जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है बॉस्टन टेरियर। दोस्तों ये डॉग ब्रीड काफ़ी स्मॉल होते हैं, काफ़ी क्यूट भी होते हैं। अगर आप एक घर में आपको एक वॉच डॉग चाहिए तो उस हिसाब से आप ये डॉग ब्रीड खरीद सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे होते हैं और दोस्तों आपको इंडिया में मिल जाएंगे, बट आपको इनको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी जो इनके ब्रीडर के ऊपर है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है इन्हें ढूंढने और इनको बाय करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। कोई कोई लोग इन्हें मिक्स डॉग ब्रीड भी करके बेचते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बाय करें तो ध्यान रखिएगा कि पूरी इनके मदर फादर को चेक कीजिएगा, इनकी ब्रीड को चेक कीजिएगा और ऐसे ब्रीडर से लीजिएगा जो काफ़ी अच्छे हो और लॉयल हो। तो ये डॉग ब्रीड भी आपके घर में काफ़ी आसानी से रह सकती हो और घर में किसी को घुसने भी नहीं देगी। काफ़ी दोस्तों ये बार्क करेगी, अगर कोई आता है तो आपको बार्क करके अलर्ट करेगी, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई रहते हो उनको भी बार्क करके अलर्ट करेगी कि घर में कोई आ रहा है। इनकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है और ये घर में भी काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं। अगर आप इन्हें कुछ खेलने के लिए दे देते हो तो भी ये चुपचाप उनके साथ खेल लेंगे और आपके घर में आसानी से रहेंगे। तो जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है लैब्राडोर और दोस्तों जर्मन शेफर्ड। आपके बहुत सारे लोग की डिमांड होती है कि जर्मन शेफर्ड मुझे लेना है, लैब्राडोर मुझे लेना है, तो दोनों काफ़ी बेस्ट डॉग होते हैं। बट आपके एक भी क्वेश्चन होता है कि ऐसा कि घर में अगर कोई हो नहीं तो फिर इन्हें हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इन डॉग को अगर आप बचपन से ट्रेन करते हो 2-3 घंटे के लिए या फिर 1-2 घंटे के लिए तो ये आसानी से रह सकते हैं अकेले। बट ध्यान रखिएगा कि अगर ज़्यादा कभी कभार क्या होता है ये डॉग ब्रीड फिर चिल्लाते रोते तो ऐसे में इनको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए बचपन से आप इसे थोड़ा सा ट्रेन कीजिएगा। कभी कभार इमरजेंसी हो तब आप इसे छोड़ के जा सकते हैं, जैसे कि कभी कभार बाहर जाना हो, अर्जेंट क्लासेस हो या अर्जेंट जॉब के लिए काम आपको जाना है 1-2 घंटे के लिए, तो आप उसे इसको छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे में कोई ना कोई आपका घर का कोई एक सदस्य हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि बचपन से आप इन्हें ट्रेन ज़रूर करें। तो जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है इंडियन स्पिट्स। दोस्तों ये डॉग ब्रीड भी काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं, इनकी लाइफ स्पेन भी काफ़ी अच्छी सी होती है, इनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होती है। ये सारे वेदर में आसानी से रह सकते हैं, जैसे कि इंडिया में वेदर चेंज होता रहता है आपको पता है, तो उस हिसाब से वेदर में भी काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं। और घर की बात करें तो ये आसानी से अगर आपको 4-5 घंटे जाना है, 6 घंटे बाहर जाना है, तो आसानी से ये रह सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि इनको ऐसी आप पहले से हैबिट ज़रूर रखें इनको अकेले रहने की कभी कभार, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप रेगुलर बेस की बात करें तो 3 या 4 घंटे आप इसे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा ना रखें। कभी कभार आप रख सकते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट नॉर्मली कोई हो तो ज़्यादा उससे काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है उनको पता चलता है घर में कोई ना कोई है
तो ये आसानी से रह सकते हैं, इतना ट्रेस नहीं लेंगे, रोएंगे नहीं, बार्क नहीं करेंगे, और जो इनका काम होता है घर के ख्याल रखना वो आसानी से करेंगे। तो जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है बुल मैस्टिफ। ये डॉग ब्रीड लार्ज साइज के होते हैं और दिखने में भी काफ़ी दोस्तों आपको बड़े लगेंगे। इनको देख के बहुत सारे लोग आपके घर में घुसने की कोशिश भी नहीं करेंगे और इनको देख के बहुत सारा ऐसा लगेगा कि काफ़ी एग्रेसिव डॉग है, बट दोस्तों ये काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड होते हैं, अपनी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं और बात करें बच्चों के साथ भी आसानी से रह सकते हैं। ये डॉग ब्रीड काफ़ी लेजी होते हैं इसलिए इनको सोना काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप बात करें आपको एक बड़ा डॉग चाहिए, अच्छा डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, एक ऐसा डॉग चाहिए जिसे देख के भी लोगों को डर लगे, वो आपके घर में घुसने की ज़रूरत भी ना करे, और एक अच्छा वॉच डॉग चाहिए, तो ये डॉग ब्रीड आप ले सकते हैं। और बात करें अकेले रहने की तो ये डॉग ब्रीड भी अकेले रह सकते हैं, बट आप बचपन से इन्हें आप ट्रेन ज़रूर करें। और ये डॉग ब्रीड अगर कभी कभार अकेले रहते हैं तो घर के कुछ चीज़ें जो है तोड़ सकते हैं, जैसे कि सोफ़ा हुआ, पलंग हुआ, चप्पल हुआ, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी सारी हरकतें ना करें इसलिए आप इन्हें कुछ डॉग के जो बोन्स आते हैं वो दे सकते हैं, कुछ टॉयस वगैरह आते हैं वो ला के दे सकते हैं, जिसके उनके साथ ये खेले और इनका टाइम भी अच्छे से चला जाए। और कभी कभार क्या होता है कि आप बाहर जाते हो अकेले तो किसी चोर को पता होता है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपके घर में कुछ लेने के लिए घुस रहा है या चोरी करने के लिए घुस रहा है, तो ये एक अच्छा गार्ड डॉग भी ये माना जाता है, क्योंकि ये किसी को अपने घर में भी नहीं घुसने देता। भले ये आलसी डॉग ब्रीड हो, सोना पसंद करते हो, बट ये अपनी जो घर की हिफाजत है काफ़ी अच्छे से करता है। तो ये सारे डॉग ब्रीड थे जो अकेले रह सकते हैं। जब भी आप इन्हें ऐसे अकेले में रखते हो या फिर ट्रेनिंग देते हो तो आपके घर के आस पड़ोस में कोई आपको फ्रेंड या उनको फैमिली को ज़रूर बता के रखिएगा कि ये डॉग ब्रीड घर पे अकेला है, तो ध्यान रखिए अगर रो रहा बो रहा हो तो मुझे फ़ोन करके बताएं, तो ऐसे में उसे आप ट्रेन भी कर सकते हो और कुछ प्रॉब्लम हो तो वो फैमिली संभाल भी सकती है। और जो डॉग घर पे उनके खाने की आप व्यवस्था करके रखिएगा, पानी के लिए आप उसको बाउल वगैरह कुछ अलग रखिएगा, और जाने से पहले उसको टॉयलेट और पोटी करने के लिए ज़रूर ले जाए जिसके कारण उसको कोई दिक्कत ना आए। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।